नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। अब हम 7वां पाठ ऋतुएं कविता को पढ़ेंगे। ऋतुएं कितनी प्रकार की होती है? ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु होती है। बच्चों अब आप चित्र को देखिए। यहाँ पर एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऋतु है? सूरज बहुत तेज़ गर्मी से धूप लग रही है लड़के को, तो ये कौन सा ऋतु है? गर्मी का ऋतु। यहाँ पर एक लड़की है छाता लेकर चल रही और बारिश हो रही, तो ये कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। यहाँ पर लड़का स्वेटर पहने हुए खड़ा है, इसको ठंड लग रही है, तो मतलब इसका कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु। तो इस कविता में हम अलग अलग ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ऋतुओं का आना जाना दीर्घकालीन परिवर्तन है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती है, और इन ऋतुओं का राजा है वसंत। प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के ऋतु आते जाते रहते हैं। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा के बाद शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु मतलब सर्दी का मौसम, उसके बाद गर्मी का ग्रीष्म ऋतु आती है। तो हमारे देश में बारी बारी एक एक ऋतु आती रहती है, और हर एक ऋतु का अपना अलग ही महत्व होता है। बच्चों अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स पढ़ेंगे हम लोग। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। लो घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। बच्चों एक बार फिर से इस कविता को पढ़ेंगे। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, लो घनघोर घटाए छाई, टप 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 बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट 4 लाइन्स में देखिए, सूरज तपता धरती जलती, ये किस ऋतु की बात हो रही है? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में सूरज की गर्मी बहुत होती है। ग्रीष्म ऋतु में धरती गर्म होती रहती है और चारों ओर गर्म हवा चलती रहती है। धूप अधिक होने के कारण शरीर से बहुत पसीना बहता है, और सभी के हाथों में हाथ का पंखा रहता है ताकि पंखा चलने से गर्मी न हो सके। अभी नेक्स्ट 4 लाइन्स देखेंगे बच्चों। लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप बूंदे आई, ये किस मौसम की बात हो रही है? यहाँ पर वर्षा ऋतु की बात हो रही है। इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। वर्षा ऋतु में आसमान में बादल छाए रहते हैं, इन बादलों से वर्षा होती रहती है। जब बादल घने होते हैं तब बिजली चमकने लगती है, और तभी झमझम करके पानी बरसने लगता है। बच्चों अब आप इस कविता को 8 लाइन्स है मैंने पढ़ाया, उसको अब आप अच्छे से पढ़िए।